Hi everyone, this is me, the tribal girl. और आज I was supposed to make some informative video, but मुझे एक अपनी खुद की एक डायरी मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने जो इसमें कुछ लिखा है वो सुना दूँ. हालांकि जब भी मैं कुछ लिखती हूँ अपने करीबी दोस्तों को कॉल करके बोलती हूँ मैंने कुछ लिखा है और बड़े चाव से वो भी सुनते हैं. लेकिन खैर आधों की शादी हो रखी है, बाकी लोग जॉब में बिजी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को सुना दूँ. जी बात 13 नवंबर 2018 3:40 की है. आज तीन प्यारे प्यारे बच्चों से मैं मिली जिनका नाम अभिषेक, खुशबू और मुस्कान था. अभिषेक 3rd क्लास में है, खुशबू 2nd में और मुस्कान तो अभी भी चड्डी में ही घूमती है. ये तीनों भाई बहन हैं। इन अभिषेक थोड़ा शाय लड़का लगा, लेकिन खुशबू और मुस्कान तो इतने बड़ बोले जिनकी कोई हद नहीं. इनको पास बुलाकर मैंने कहा एक गाना सिखाऊंगी, सीखोगे? बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, सिखाओ हमें सीखना है. मैंने उन्हें वो गाना सिखाया जो मैंने खुद बचपन में सीखा था. घर के अंदर बाहर भी, जूता पॉलिश पोछा भी, कपड़े धोना इस्त्री भी, चाय बनाना रोटी भी, करूँ मैं मम्मी के लिए, करूँ मैं पापा के लिए, क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ. फिर क्या था, तीनों ने इतने प्यार से ऐसे सीखा जैसे कितना कुछ समझ गया इन्हें और सब कुछ नया लगने लगा. फिर खुशबू एकदम से बोली, दीदी मैंने पूरा याद कर लिया, मैं सुनाऊं आपको? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं. थोड़ा अटकी लेकिन बड़ी मासूमियत से सुना डाली. मैंने कहा जिसने पूरा सुनाया उसे मिलेगा इनाम. फिर क्या था, तीनों ने इतनी मेहनत करी, इनाम में चॉकलेट जो मिलने थे. काफी समय बाद खुशबू ने फिर कहा, दीदी मुझे याद हो गया. काफी समझदार लड़की लगी मुझे वो. मैंने कहा सुना दो. फिर क्या था, इस बार उसने बिना रुके बिना अटके रेलगाड़ी की तरह पूरा सुना दिया. लेकिन इस समय उसके सुनाने के तरीके में कुछ नई बात नजर आई. इस समय उसने इनाम में यूं ध्यान लगाया कि महज इतने बचपने में अपना बचपना कहीं खो दिया. काफी फर्क था दोनों समय सुनाने में. पहले में जितनी मासूमियत थी दूसरे में इतना ही सही. वो उसने वही सुनाया जो मैं सुनना चाहती थी, ना अटकी ना अपनी तरफ से कुछ एड ऑन किया, सब कुछ सुना दी. फिर लगा मैंने ये क्या किया, मैं जिस दुनिया से भागना चाहती थी उसे भी उन्हें भी इसी दुनिया में खींच ले आई. यही तो हम करते हैं ना. इनाम, अब इस इनाम का नाम आप कुछ भी दे दो, लेकिन इसके पीछे पीछे भागते भागते हम सब कहीं ना कहीं अपना बचपना खो देते हैं, अपनी वो इनोसेंस खो देते हैं. खैर बारी इन तीन बच्चों की थी तो लगा कुछ सही किया जाए. आज मैं यहाँ हूँ तो कुछ ना कुछ सही किया जाए. फिर तीनों को बुलाकर चॉकलेट्स और चिप्स देकर कहा इनाम सभी के लिए. अभिषेक और मुस्कान तो खुश हो गए, लेकिन खुशबू थोड़ी नाराज हुई. उसने कहा दीदी ये क्या है, मैंने पूरा सुनाया और आपने इनाम इन्हें भी दिया. खैर उसने वही सवाल पूछा जो उसने देखा. बड़ी मासूम सी सवाल था. मैंने उसको कहा इनाम जीतने के लिए नहीं था, लेकिन कोशिश करने के लिए था. फिर क्या था, तीनों को चिप्स और चॉकलेट्स मिले, काफी खुश थे. इन तीन बच्चों को कुछ समझ आया ना आया हो, लेकिन मैं बहुत कुछ समझ गई. खैर ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो मैंने कल लिखी थी. आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा.